जीवर का लगा कॉलेज में बना धोया मणियन काम कर धोया खराब कर धोया हम पहले वीडियो बनावा कैसा लग रहा है वो बैठ गया बैठा नीचे ये फ्रेंड्स हम अभी आए हुए अपने छोटे से इधर आलू का खेत है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्याज रोपा गया है, उधर देखेंगे तो पूरा गोभी है लगाया गया और ये आलू तोड़ रहा है। देखिए आलू उतना निकल नहीं रहा है, सब ज़्यादा ना ही निकला तो मैं देख रही है बैठा नहीं है क्या। इधर आइए दिखाते हैं आपको, देखिए गोभी फरा हुआ है ना, ये गोभी भी फरा हुआ है अपना मस्त करके और धनिया गाजर इसी में है और ही कोची है भाई, चुकंदर रखा है मैं लाल लाल चुकंदर उकंदर सब है इधर, सारी सब्जियां इधर है। ये देखिए आलू इतना बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, एक दो महीना हो गया ना, तीन महीना कौन महीना हो गए अलिया बोले, तीन महीने के बाद देखिए चार चार आलू निकल रहे हैं बस। ये नदी के किनारे है पूरा, देख सकते हैं इधर नदी है, देखिए इधर नदी है और इसके किनार पे है इधर, इधर देखेंगे उड़ गए वो लोग और मैं दिखाता हूँ मैं अपना, और इधर एक छोटा सा घर है पूरा कोड़वे। वीडियो देखे लेकिन बड़की मोबाइल है कि नहीं, तो बाहर जो है बाबू ने साथ देना कोई नहीं, सब छोड़ दे ले वहाँ के सब अपने अपन कर ना, भाई गुरु करे ले तो सब है ना खाते ही नहीं करवे तब वो बोली हाँ।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी हो गया। और हम भी आज थोड़ा घर से निकले नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसके लिए थोड़ा निकले नहीं। और अभी का आ रहे थे इधर, तो ये मैं आलू कोड रहा था, तो दिखाए आपको कि मतलब कैसे आलू कोड़ते हैं। और मतलब 3-4 महीने हो गए थे इसको, आलू को 2-3 महीने हो गए थे तब ये निकालना स्टार्ट किया है ये। और दोस्त, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ, और आगे आपसे मुलाकात होगी, और हमेशा ही मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। और दोस्त, अगर मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक देकर जाइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के प्यार के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं दोस्त, और हमेशा ही वीडियो डालते रहते हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ दोस्त, सो थैंक्स, बाय दोस्त, आगे आपसे और मिलेंगे हम।